हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुक बुक बाय मोहिनी। तो आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके का टेस्टी टेस्टी परौंठा। तो इसके लिए हमने ये आउटर वाला ग्रीन पोर्शन, इसको हमने निकाल देना है, ये चाकू से इजीली निकल जाता है। जैसे ये मैंने निकाल दिए और इसको मैंने जो अंदर वाला पोर्शन है इसको मैंने काट लिए। ऐसे हम इसको पीसीज में कर लेंगे, बाद में हमने इसको मिक्सी में करने हैं। तो थोड़े मैंने बड़े पीस ही रखे हैं। तो चलिए सारे छिलके पहले पील कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक चम्मच सौंफ और हमें चाहिए होगा आधा चम्मच, हम डालने वाले हैं इसमें अजवाइन, डेढ़ चम्मच डालूंगी नमक और एक चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, साबुत जीरा, और एक चम्मच ही हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च का पाउडर, क्योंकि ये थोड़े मीठे हो जाएंगे इसलिए हम इसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डालेंगे। इसको मिक्सी में पीसते हैं। तरबूज के छिलकों को हमने मिक्सी में कर लिए, तो सारा इसमें मसाला जो हमने डालना था, नमक मिर्च वगैरह, मैंने इसी में डाल दिए ताकि ये अच्छे से पानी छूट जाए। इसको 2-3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इस पानी से ही हम आटा गूंदेंगे। तो एक्स्ट्रा पानी हम नहीं यूज़ करेंगे, इससे जितना हो जाएगा उतना ही करेंगे। मैंने 10 परौंठे बनाने हैं तो इसी से ईजिली बन जाएंगे। तो साथ साथ में हम इसको करते जाएंगे और आटे को उसी के हिसाब से सेट करते जाएंगे। तो चलिए पहले आटा बना लेते हैं। आटे को मैं अब सेट कर रही हूँ, तो इसमें मैंने एक चम्मच ऊपर रिफाइंड ऑयल लगाया है और साथ में मैंने ये थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें स्प्रिंकल कर दी है। तो जब हम कसूरी मेथी लगा के इसको बनाएंगे तो आप देखोगे कि आटा जो है परौंठा, उसमें एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा और दूसरा जो कसूरी मेथी है उससे बीच बीच में जब वो आएगी तो उससे परौंठे की लुक भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए पहले आटे को अच्छे से मसल लेते हैं। तो परौंठे को हमने बेल लिए, देखो कितना इसका कलर कितना अच्छा है, नेचुरल कलर है, हमने कुछ कोई कलर इसमें ऐड नहीं किया, तो तवा मेरे घर में। तो चलिए अब इसको हम अपने तवे पे डाल दें। इसको हम हल्का सा देसी घी लगाकर बनाएंगे और देखना कितना अच्छा बनने वाला ये वाला। पहले मैंने आपको और भी 2 डिशेस बताई थी, एक तो तरबूज के छिलके की सब्जी और एक तरबूज के छिलके का हलवा। तो ये हमारी नई रेसिपी है, हेल्दी भी है, कितनी अच्छी इसकी लुक आनी स्टार्ट हो गई है। तो बस हल्का सा हम देसी घी लगाएंगे इसके ऊपर, ऐसे ही हम अपने सारे परौंठे रेडी कर लेंगे। तरबूज के छिलके का परौंठा कितना अच्छा बना है। इसको मैंने इसमें को बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है और बस तरबूज के छिलके का जूस में ये बन गया सारा और छिलका भी हमने इसी में डाल दिया। तो देखो कितनी अच्छी लुक आई है। तो चलिए सर्व करते हैं इसको दही के साथ और मक्खन के साथ। तो ये लो हमारी प्लेट हो गई रेडी, इसमें हमने बूंदी के साथ दही सर्व किए और ये मक्खन और ये हमारा जो तरबूज के छिलके का परौंठा। तो प्लीज़ आप भी खाइए और फिर मुझे बताना को आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।